हमारे सबसे जानवर को बहुत जनता कह ये पराली क्यों जलाते हैं आप लोग? पता भी नहीं इसको कोई नहीं जलाते क्यों इसे पहले क्यों जलाते हैं? इसे खाद के रूप में आप लोग नहीं प्रयोग कर सकते हैं? अपने पास जानवर नहीं है और कोई उसको लेके जाता भी नहीं है, भी नहीं है और कोई खाने पीने वाला जानवर रखे भी नहीं है, अभी इसलिए परेशानी पड़ जाता है। अगर ये मालूम होता तो अपन लोग नहीं जलाते। अच्छा चची ये बताइए कि जो आपके यहाँ जानवर होते थे पहले, अब जानवर नहीं रह गए तो इस वजह से आप लोग पराली जला रहे हैं और इससे आपकी आपके खेतों को कितना नुकसान पहुँच रहा है आपको पता था? बहुत नुकसान, क्योंकि इतना पता होते तो ये हम काम नहीं करते हैं हमसे अभी। आपके आपके यहाँ जो कृषि मित्र हैं, रोजगार सेवक हैं, ये सब लोग आपको खेती से संबंधित जानकारियाँ नहीं देते हैं? नहीं, कोई आता नहीं, कोई नहीं आता है, कुछ नहीं आता होता तो ये काम होता नहीं। देख किसान भाई, धान काटने के बाद अपने जो धान का अवशेष है जिसे हमारे यहाँ पैरा या पुआल कहते हैं, उसको किसान भाई जला देते हैं। जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, जो इसके साथ साथ जो हमारी मिट्टी में फसलों के मित्र कीट हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, वो भी मर जाते हैं, जिससे आने वाली फसल में हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। साथ ही साथ जो जीवांश कार्बनिक है, जो जीवांश मात्रा है, वो भी जो सड़ने के बाद में मिलनी चाहिए मिट्टी को, पराली जलाने से उसका भी नुकसान होता है। इसके लिए हमारे यहाँ जनपद स्तर पर तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर में एक दिन का फसल अवशेष प्रबंधन की गोष्ठी भी हुई थी, जिसमें किसानों को बताया गया था कि इससे क्या क्या नुकसान है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हाँ, कि जो किसान हैं उनको कृषि अधिकारी और कृषि विभाग द्वारा जो चीज़ें उपलब्ध करवानी जानी चाहिए, जो जानकारियाँ उपलब्ध करवानी जानी चाहिए, वो जो है बिल्कुल वो पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जो पूरा तंत्र है वो क्या कर रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र पाठी, ईटीवी भारत के लिए।